दिन आज मैं बनाने जा रही हूँ डोसा। इसके लिए मैंने अरवा चावल लिया है इस ग्लास से, एक ग्लास इसका हाफ ग्लास मैंने उड़द डाल लिया है और थोड़ा सा चना डाल लिया है। और इसमें मैंने आलू बॉईल कर लिया है सब्जी के लिए, नारियल मिर्चा गाजर को कद्दूकस कर लिया है, और इसमें धनिया पत्ती, दो टमाटर प्यूरी बना लिया है, मटर और प्याज दो लिया है मैंने बड़ा साइज का, और कड़िया पत्ता, बादाम, सरसों लिया है, मिर्चा लिया है मैंने सूखा, बटर लिया है, और मैंने यहाँ पे नमक, हल्दी, ऑयल, पानी लगेगा, और मैंने चावल दाल और चना दाल को मैंने पहले से भिगो के रखा है, 4-5 घंटा के लिए भिगो लिया है। अब इसका मैं बैटर बनाऊंगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने इसका बैटर, दूसरा का बैटर रेडी कर लिया है, अब देख ही सकते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कीजिए। मैं और थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। करीब आधा कप मैंने पानी ऐड किया है इसमें। इसको मैं रखूंगी नहीं, इसको अभी मैं बना लूंगी डोसा। उसके पहले मैं इसका मसाला रेडी कर लेती हूँ, तब तक मैं इसको ढक के रख दे रही हूँ। अगर 3 चम्मच ऑयल दिया है मैंने, ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैं सूखा मिर्च, आलू मैश हो गया।
टमाटर, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं थोड़ा सा पानी दे दूंगी, अच्छे से मिक्स करते रहिए। हल्का सा गाढ़ा हो गया तो आप इसको बंद कर दें। मैं धनिया पत्ता ऐड कर दी, डोसा का मसाला रेडी हो गया है। अब इसको अच्छा पानी दे दीजिए इसमें, इसमें थोड़ा सा ऑयल दे दीजिए। मैं इसमें मसाला दे दूँ, जल्दी बन भी जाता है।
देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतनी टेस्टी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलना, बेल आइकन भी दबाइएगा, तभी आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ओके व्यूअर्स, मिलते हैं नए वीडियो पे, बाय बाय।